श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आप जानते हैं आज बैसाख पूर्णिमा है, 5 मई को शुक्रवार का दिन है और बुध पूर्णिमा भी है। हालांकि इस चंद्र ग्रहण का हमारे जीवन पे कोई खास असर नहीं है क्योंकि ये छाया ग्रहण चंद्र ग्रहण है, पर ये 200 सालों बाद आया है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण है, तो इसके खास कुछ हमारे ऊपर उपाय करेंगे तो उसका हमें शुभ फल हमें मिल सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है, ग्रह क्लेश होता है, मनमुटाव है और व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो आप कुछ उपाय करेंगे तो उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। एक दिन भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी का दिन है ये, और तो हम उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो हमें निश्चित ही फल प्राप्ति होगी, हमारी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। रात को 8:45 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा, तो उससे पहले आपको हल्दी से 3 जगह घर में स्वस्तिक बनाने हैं। आपको हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल के या घी डाल के उसे उसका पेस्ट बना लें और 3 जगह पूजा घर में, अपने रसोई में और घर के जहां धन के स्थान तिजोरी में, तिजोरी के ऊपर आपको या मेन गेट के बाहर आपको एक स्वस्तिक बनाना है। इस तरह से 3 स्वस्तिक आपको ज़रूर बनाने हैं। दूसरा उपाय है लौंग का। आपको 11 लौंग एक दीपक में, मिट्टी के दीपक में रखने हैं और 11 और फूल वाले लौंग है जो आपको दूसरे एक मिट्टी के दीपक में रखने हैं, और एक मिट्टी का दीपक आपको घर के मुख्य दरवाजे के बाहर रखना है। ये आपको 8:45 के पहले भी कर सकते हैं या बाद में भी। चंद्र ग्रहण समाप्त होगा 1 बजे, तो आपको अगले दिन इसमें दोनों में एक एक कपूर डाल के आप जो घर के अंदर मंदिर के में जो दीपक रखा है उसको आप पूरे घर में घुमा दीजिए और उसको फिर उसमें एक कपूर डाल के जला दीजिए, और जो बाहर मेन गेट पे रखा है उसमें भी एक कपूर डाल के आप उसको जला दीजिए। इसके घर में जो नेगेटिविटी है, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। तीसरा उपाय है एक कटोरी में आपको चावल भरने हैं और आप उसे घर के किसी एक कोने में रख दीजिए। रात को 8:45 पे चंद्र ग्रहण शुरू होगा, तो आप अगले 1 बजे ख़त्म होगा, लेकिन आपको अगले दिन इसको सुबह किसी को दान में दे दीजिए या कोई नहीं लेता है तो आप इसे किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। इससे किसी के घर में जो चंद्र कमज़ोर है उसका वो उस मन शांत होगा और आपके ऊपर जो चंद्र ग्रहण के कोई बुरा प्रभाव है उसको भी खत्म कर देगा। चौथा उपाय आपको झाड़ू से करना है। झाड़ू का उपाय हर पूर्णिमा पर बताया जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, तो आपके घर में अगर नया झाड़ू है तो लेना है, अगर नया नहीं है तो पुराने को भी आप धो के प्रयोग में ले सकते हैं। उसको एक लाल कपड़े पर रखना है झाड़ू को पूजा घर के में, और उसमें उसके पास हल्दी, चावल और लोली रखनी है और एक घी का दीपक जलाना है और ओम ह्रीम श्रीम नमः और ओम ह्रीम लक्ष्मी नमः का मंत्र का जाप करना है आपको। और पांचवा उपाय आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उसमें पानी डाल के उसमें तुलसी के पत्ते डालने। आज पूर्णिमा का दिन है, तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं हैं, जो उसके पास टूटे हुए पड़े हैं उसको डालना है। अगर नहीं है तो आप उसकी मिट्टी भी उसमें डाल सकते हैं और उसे आप घर के कोने में रख दीजिए। कार्य आपको 8:45 से पहले ही कर देना है। चंद्र ग्रहण रात को 1 बजे समाप्त होगा, तो आपको अगले दिन 6 मई को इसे घर में चारों